क्यों नहीं रंग रही है। आज हम विरोध प्रदर्शन अपना मुंडन करवा के करवा रहे हैं। सरकार थी, जब भी हमने मुंडन करवाया था, आज वापस। तो सरकार कहती है कि हम जनहित ऐसी सरकार है, हम लोक कल्याणकारी सरकार है। तो लोक कल्याणकारी सरकार ने अपने चेहरे पर जो मुखौटा लोक कल्याण का पहन रखा है, उसकी ये गजिया उड़ रही है। देखो किस प्रकार से पूरे राजस्थान के लिए, इस सरकार के लिए, इस सरकार के विरोध में यहाँ आकर उतरे। तो ये हम पूरे राजस्थान के आपको बताना चाहते हैं, पूरे राजस्थान के एक एक ग्राम पंचायत, एक एक पंचायत समिति में, जिला परिषद में काम करने वाले कार्मिक हैं। और हम लोगों की 2013 में भर्ती निकली थी, उस भर्ती में हम सब मेरिट में सिलेक्शन करती है और मेरिट में हमारा चयन हुआ है। उस चयन के बाद इस सरकार ने जब इसका नवगठन हुआ है, हमारे नियुक्ति के आदेश जारी करने के लिए हमसे मिठाइयाँ खाई है, हमसे गुलदस्ते लिए हैं, और उसके 2 महीने बाद भी हमारे साथ न्याय नहीं किया। इसके चलते आज संपूर्ण राजस्थान के विभिन्न जिलों से, टोंक की पावन धरा में 33 जिलों के साथी, यहाँ पे हमारे डिपार्टमेंट के मुखिया जो कि यहाँ टोंक से विधायक है सचिन जी पहले, उन्होंने कहा, लेकिन उनका वादा उन्होंने पूरा नहीं किया, उसके विरोध स्वरूप आज यहाँ पर आए हैं। लगातार हमारे 16 साथी अन्य जन त्याग कर संगा दे रहे हैं। कोई इंसान उनके विधानसभा में बिना पानी पिए, बिना कुछ खाए, अगर 8 दिन तक भूखा प्यासा है, तो ये टोंक के वासी समझे कि उनका नेता कैसा है। ये हम टोंक के वासियों को दिखाने हैं कि अगर हमारी बात अब नहीं मानी, आगे आज का हमने निर्णय नहीं किया, तो इसी टोंक की पावन धरा पे ये हजारों हजार की संख्या में बुरा ऐसा कदम उठाएंगे जो हमेशा हमेशा के लिए एक काली पोतरे का काम होगा। मैं टोंक की जनता से आगे यहाँ टोंक की जनता का बहुत प्रेम मिला राजस्थानी कर्मचारियों को पिछले 8 दिन में। मेरा इस घंटा करके खड़े समस्त साथियों से टोंकवासियों से आग्रह है कि आप यहाँ के MLA आपके लिए डिप्टी CM नहीं हो सकता, पायलट हमारे लिए डिप्टी CM हो सकता है। टोंक की जनता के लिए सिर्फ एक MLA है, एक मात्र विधायक है। तो हम आग्रह कर रहे हैं आपसे, आप उन विधायक जी की आंखें खोलिए कि आपके टोंक शहर में हजारों की संख्या में बच्चे यहाँ पड़े हुए राजस्थान से, उनमें 16 साथी जिनकी हालत बहुत दयनीय है, बहुत सीरियस हालत है, वो साथी कभी भी अपने प्राण छोड़ सकते हैं। और अगर 2 दिन में उन्होंने जल नहीं पिया या अन्न नहीं खाया, तो हो सकता है उसमें से कोई साथी हमारे बीच नहीं रहेगा। और ये कलंक इसलिए बहुत